हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू अदर व्लॉग। तो गैज़ आज है संडे और वैसे मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज और कमेंट करके कहा कि आप प्लीज़ हॉस्टल के रिलेटेड व्लॉग बनाओ, हमें हॉस्टल रूम्स दिखाओ, मैस एंड ऑल सब ये दिखाओ हमें। तो आज है संडे तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं आज व्लॉग बना लेता हूँ। तो अभी हम जस्ट उठे हैं, तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, तो फ्रेश हो गए, ब्रेकफास्ट करेंगे अभी। तो लेट्स गो। ये है हमारी आज की ब्रेकफास्ट। आज हमें ब्रेकफास्ट में मिला है एक बनाना और ये रोटी और ये चाय। वैसे वहाँ आप दो किस्म की चाय बनती है, हम नमकीन चाय भी पी सकते हैं और लिप्टन चाय जो वो भी पी सकते हैं, चॉइस अपनी है। वैसे मेरे को तो मैस में, मोस्ट प्रोबेबली मैस में ही करते हैं सब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड जो भी है। और मैं अपने रूम में ले आया हूँ, तो मैं रूम में जाके करता हूँ आराम से बैठ के। मैं तुम लोगों को हॉस्टल के अपने रूम से बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरीके का व्यू है हमारे रूम से बाहर। वो सामने न्यू बॉयज़ हॉस्टल है, तो यहाँ नीचे जिम भी है वो। और ये रहा सामने पीजी हॉस्टल, और उस तरफ वो जो है वो है कैंटीन और लाइब्रेरी, एकेडमिक सेक्शन उसके इस तरफ है। तो यहाँ कुछ इस तरीके के हमारे हॉस्टल्स रूम होते हैं। एक रूम में दो बेड होते हैं क्योंकि एक रूम में दो स्टूडेंट रहते हैं। देख लो, एक बेड ये, एक बेड वो लगा हुआ है। इस बेड पे हमारे भाई चिल मोड में है, हेडफोन्स लगा कर गाने सुन रहा है। और हमें स्टडी टेबल्स भी मिलते हैं, एक स्टडी टेबल ये है, एक स्टडी टेबल वो है। तो एक रूम में दो चेयर्स भी होती हैं। और यहाँ रहा अलमीरा, और एक अलमीरा ये है, एक अलमीरा वो है। और ये बेडशीट हमने लगाई है जुगाड़ के लिए, क्योंकि जब हम डोर ओपन करते हैं तो जो समर्स में क्या होता है कि मक्खी वगैरह बहुत होती है, जैसे डोर ओपन करते हैं मक्खी वगैरह सब अंदर आ जाती है, तो इसलिए हमने ये जुगाड़ के लिए बेडशीट रखी हुई है। और ये रही अलमीरा, देख सकते हैं आप अंदर से थोड़ी। और कुछ खास तो है नहीं है वैसे। ये शीशा लगाया हुआ है यहाँ पर, आप लोग ये मत सोचना कि ये भी हॉस्टल वाले देते हैं, असल में ये हमने खुद बाहर से ला के लगाया हुआ है। तो कुछ इस तरीके का व्यू है रूम से बाहर बैक साइड का। तो ये हमारे रूम में आ गया शकीब, महान हस्ती। कहाँ से टपका है तू? अपने रूम से। अच्छा, हम अब आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं हम शकीब से कुछ पूछते हैं हॉस्टल के बारे में। शकीब, हॉस्टल के बारे में कुछ बोल। चल, हॉस्टल बहुत बोरिंग है। बोरिंग है और कुछ और हॉस्टल के बारे में। और ये है हमारे हॉस्टल के बाहर का व्यू, थोड़ा सा आउटसाइड का। और वो देख लो सामने हमारा कमू अभी उठा भाई, ये को टाइम है उठने का, 12 बज गए। हाँ, यही टाइम होता है, शर्म कर ले शर्म, ठीक है, जल्दी उठा कर, ठीक है। और यहाँ हॉस्टल में कभी भी ये कॉबलर भैया भी आते हैं काम करने के लिए। और कैसे हो भैया, ठीक हो आप? चल रहा है काम? काम आ जाए अभी। हाँ, बच्चे थोड़े कुछ चले गए ना। और ये है हमारी जिम, ठीक देख सकते हैं। ये है हमारी जिम, अभी तो कोई शाम को आते हैं बच्चे वर्कआउट करने के लिए या सुबह, ठीक है। ये है हमारा मैस सामने, आप देख सकते हो, बट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा लंच के टाइम, जब हम लंच करेंगे मैस का तो फिर हम आपको मैस दिखाएंगे। और वो सामने है प्लेग्राउंड, मैं आपको थोड़ा प्लेग्राउंड दिखाता हूँ। वहाँ शायद क्रिकेट मैच चल रहा है, पता नहीं किसका। ये है हमारा मैस, ये मैस वाले भैया काम कर रहे हैं। और यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, पता नहीं क्या चल रही है, देखते हैं। भैया क्या बन रहा है यहाँ पे? अच्छा ठीक। और ये है हमारा बास्केटबॉल ग्राउंड, देख सकते हो आप, ये सामने पूरा बास्केटबॉल ग्राउंड है, ठीक है। तो इस तरफ ऊपर मैच चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो आप? और से ठीक है। तो यहाँ ऊपर कुछ आउटसाइडर्स आए हैं, उनका क्रिकेट मैच चल रहा है, ये देख लो आप। अभी तो शायद मैच थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो गया है, लंच ब्रेक है वो, वहाँ काफ़ी क्राउड है। तो ये पूरा हमारा प्ले ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड भी है और क्रिकेट ग्राउंड भी है। एक और ग्राउंड है फैकल्टी के पास छोटा सा, बट वो हमेशा यूज़ नहीं करते। ये है हमारा मैस। और रोहित शर्मा क्यों रहा है? पर यहाँ हमारे लॉन्ड्री वाला भैया मतलब कपड़े वगैरह धोने के लिए है, तो वो संडे को बंद होता है। तो ये है हमारा मैस। और
और आज वेज में इसमें खाना बना है, दाल है, चावल है और ये हरीश, ये हरियाणा से, मैं तुम्हें बता दूँ। और बंदे का देख लो, पूरे हरियाणा के मज़े ले रहा है, घी डाल के खा रहा है बंदा खाना। हमें आज नॉन वेज मेस में भी मिली हमें दाल और चावल। वैसे वेज वालों को रोटी भी मिलती है ना पुनिया, उनको दो टाइम रोटी मिलती है, दिन को और शाम को, साथ में चावल दाल सब्जी वगैरह कुछ भी। ये देख लो अंकित भाई हरियाणा से है ना, तो ये है इवनिंग का टी टाइम हमारा। और ये इसमें लिप्टन चाय है जैसे आप देख सकते हैं, और ये कचौरी वगैरह और कुलचे मिलते हैं खाने के लिए हमें। इसमें नमकीन चाय है, जो चाय पीना चाहे इंसान तो वो पी सकता है आराम से। और यहाँ कुछ बच्चे चाय पी रहे आते हैं, हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट रकीब सर, ये रिसेंटली सेलेक्ट हुए प्रेसिडेंट हमारे कॉलेज के, तो हम इनसे पूछते हैं कॉलेज के बारे में थोड़ा। तो सर आप कुछ बताओ कॉलेज के बारे में, मेस वगैरह रिलेटेड, हॉस्टल्स एंड ऑल ये वो सब, क्योंकि काफ़ी नए बच्चे आने वाले हैं, 270 स्टूडेंट्स आने वाले हैं मैंने सुना नए बैच में, तो आप उसके बारे में क्या बोलोगे? तो ये तो पता ही है आपको, ये बैठने की साइंस है, तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अब तो बाहर वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। हाँ, तो स्पेशली आई अप्रिशिएट कि आप ये ब्लॉगिंग करते हो, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है पहले, क्योंकि सबसे पहले होता है कि जब घर में होता है तो बहुत सारे अप्रेंशन होते हैं कि वहाँ जाएंगे कैसा होगा, खाना कैसा मिलेगा, मेस कैसा होगा, कॉलेज कैसा होगा, या बाकी फैसिलिटीज़ कैसे होंगी। तो अब तो आई गेस थ्रू योर व्लॉगिंग दे विल कम टू नो कि उनको पहले ही पता चल जाएगा कि कैसा सिस्टम है यहाँ पे। यहाँ का जो मेस क्वालिटी है मुझे लगता है बहुत अच्छा है, यहाँ का हमें वेज अलग है, नॉन वेज अलग है हमें, प्लस यहाँ पे जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, रूम्स वगैरह, वो भी बेस्ट है। आई हैव सीन जो बाहर वाले हॉस्टल्स होते हैं वो इतने, आई डोंट थिंक आई हैव सीन दोज हॉस्टल्स, देर नॉट दैट मच, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती जितनी हमें यहाँ पर फैसिलिटीज़ होते हैं। जो हमारे वार्डन्स होते हैं बहुत ही, मतलब बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करते हैं चीज़ों को, देखते हैं कि सिस्टम कैसा है यहाँ पर, हर एक फैसिलिटी है। तो आई गेस कि जो बाहर वाले यहाँ पे आएंगे दे विल फील द डिफरेंस कि यहाँ पे नहीं है ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। और मे बी अब शायद यहाँ पे हम और भी हॉस्टल बना रहे हैं, तो नए हॉस्टल बनेंगे यहाँ पर आप, तो उसमें भी उनको मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पे वो डेवलपमेंट है यहाँ पे। ओके सर, जॉब का मजा ले रहे हैं। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये है मेस, वेज मेस है ये, और ये आपको दिखा दूं कि हमारे असल में हमारे हॉस्टल में क्या होता है कि जो मेस जो होते हैं वो स्टूडेंट हैंडल करते हैं, हर मंथ नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, दो दो बच्चे आते हैं, वो पूरे मेस को हैंडल करते हैं, वही एक मंथ का पूरा मेस चलाते हैं वो। तो हमारे साथ हैं हमारे ये अंकुश भाई, हमारे क्लासमेट हैं, और ये इस बार वेज मेस के जो हैं वो मेस मैनेजर हैं। तो इनसे मैं पूछता हूँ कि आज इन्होंने क्या बनाया, क्या बनाया बनवाया आज मेस में? वेज बिरयानी बनी है। हाँ दही है। हाँ सैलड है। और मैं तुम्हें बिरयानी दिखाता हूँ, यहाँ ये देखो, ये बिरयानी बनाई है आज इन्होंने, तो साथ में कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, और ये खीरे वगैरह और चटनी भी है यहाँ पर, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी मिल रही है। तो कैसा लग रहा है मैस चला के इस बार? तुमने तो फर्स्ट टाइम चलाया है ना? फर्स्ट टाइम है, बढ़िया लग रहा है। हाँ बहुत अच्छी बात है। और यहाँ हमारे ये प्रदीप साहब, ये भी मैस मैनेजर है। तो हमें आज नॉन वेज में मिला है, हमें ये कबाब मिला है, खीरे और ये चावल वगैरह मिले खाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक भी मिली है साथ में। तो डिनर मेरा हो गया है ख़त्म, और मैं जस्ट डिनर करके मेस से अपने रूम में आया हूँ। तो वैसे यहाँ पे जैसे अभी नए बैच जो आ रहा है स्टूडेंट्स का, उसमें मैंने सुना 270 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे नई नई चीज़ें कुछ बना रहे हैं कॉलेज वाले, नई नई फैसिलिटीज़ दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो अभी नए हॉस्टल्स जो हैं वो भी हमारे यहाँ पर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ। तो ना गाइस प्लीज़ सपोर्ट किया करो यार, मतलब सब्सक्राइब किया करो चैनल्स को, शेयर भी किया करो, कमेंट्स एंड ऑल ये भी आपको पता ही है। तो इसी समय अपना ब्लॉग खत्म करता हूँ, तो बाय बाय तब तक के लिए। yeah!